अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये वीडियो मैंने एक छोटी सी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बनाई है जो मेरे समेत बहुत से लोगों को अक्सर पेश आती रहती है। हम में से अक्सर तो इस बात पर भी गौर नहीं करते कि जिस चीज़ पे हमें 1, 2 या 3 साल का क्लेम मिल रहा है वो वारंटी की सूरत में है या गारंटी की सूरत में। हम वारंटी को गारंटी और गारंटी को वारंटी के साथ मिक्स करते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में ये फ़र्क बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। पहले बात करते हैं वारंटी क्या चीज़ है। दोस्तों, वारंटी हमेशा आपको इंसान की बनाई हुई चीज़ों पर, मसलन मोबाइल, टीवी, फ्रिज, बेड, मैट्रेस, फर्नीचर वगैरह पर मिलती है। ये वारंटी आपको 1, 2 या इससे भी ज़्यादा सालों के लिए मिल जाती है। वारंटी का मतलब होता है कि जितने साल के लिए आपको ये वारंटी मिल रही है, इस मुद्दत के दौरान या इस टाइम फ्रेम में अगर आपकी प्रोडक्ट ख़राब हो जाए तो कंपनी की पहली ऑप्शन ये होगी कि वो आपको आपकी चीज़ रिपेयर करके देगी। अगर आपकी चीज़ रिपेयरेबल नहीं है तब जाके कंपनी आपको नई चीज़ देगी। आप खुद कंपनी से नई चीज़ लेने का मुतालबा नहीं कर सकते, मगर 90% केसेस में यही देखा गया है कि कंपनी हमेशा आपकी प्रोडक्ट को रिपेयर करके ही देती है, जिससे कंपनी का कम नुकसान होता है और जो कंपनी के लिए अफोर्डेबल भी है। अब बात करते हैं कि गारंटी किसको कहते हैं। देखिए, गारंटी आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पर ना होने के बराबर मिलती है। हाँ, ऐसा कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि गारंटी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पर मिलती ही नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, गारंटी का मतलब होता है कि जिस चीज़ की गारंटी आपको दी जा रही है वो अगर गारंटी के टाइम फ्रेम या मुद्दत के दौरान ख़राब हो जाए तो कंपनी आपको बिल्कुल नई प्रोडक्ट देगी, आपको पुरानी प्रोडक्ट रिपेयर करके नहीं देगी। गारंटी बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में दी जाती है क्योंकि इसमें कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। गारंटी ज़्यादातर चीज़ों की नहीं, इंसानों के आपस में रिलेशंस में दी जाती है। ख़ास तौर पर जब आप बैंक से लोन या कर्ज़ा लेते हो, या फिर आप किसी कंपनी से कोई मखसूस काम करने का एग्रीमेंट साइन करते हो, या ऐसा कोई भी काम जिसमें किसी चीज़ के मुकर्रर वक्त में मुकम्मल होने का वादा किया जाए, तो इसके लिए 1 या 2 लोगों की गारंटी दरकार होती है। मिसाल के तौर पर जब आप बैंक से कर्ज लेने जाते हो तो बैंक आपसे 1 या 2 बंदों की गारंटी मांगता है। वो इसलिए कि वो बंदे गारंटी देंगे कि आप अपना कर्ज़ा दिए हुए वक्त में वापस कर देंगे, वरना बैंक इन बंदों से जिन्होंने आपकी गारंटी दी हुई होती है कर्ज़ का मुतालबा करता है। इसी तरह किसी एग्रीमेंट के दौरान भी गारंटी दी जाती है कि जिस चीज़ के लिए ये एग्रीमेंट किया जा रहा है वो चीज़ दिए हुए वक्त में पूरी हो जाएगी। ऐसी चीज़ों में जहाँ गारंटी दरकार होती है तो वहाँ अगर वो काम वक्त पर पूरा ना हो तो आप जब एग्रीमेंट या बैंक से कर्ज लेते हैं तो उसी वक्त इसके पूरे ना होने की सूरत में बुरे नतीजे से आगाह कर दिया जाता है। तो अब आप ये जान ही चुके हैं कि वारंटी और गारंटी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।